उद्देश्य: प्रयोगशाला में दूध से दही बनाना और यह करते समय उसमें जो बैक्टीरिया है उनका कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करना। आवश्यक उपकरण: दही बनाने के लिए उपयुक्त बर्तन, कांच की स्लाइड, कांच की छड़, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी। आवश्यक रसायन: दूध, दही या फिर छाछ, मिथिलिन ब्लू स्टेन। प्रस्तावना: इस प्रयोग द्वारा हम उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हमारी रोजमर्रा के जीवन में हमें उपयोगी बैक्टीरिया का अनेक प्रकार से उनकी ज़रूरत होती है। जैसे हमारी पाचन संस्था में जो बैक्टीरिया होते हैं वे हमें अन्न पाचन में मदद करते हैं, उसी प्रकार से ये बैक्टीरिया चीज़, मद्य निर्माण, औषधियों इत्यादि के निर्माण में उपयोगी साबित हुए हैं। इस प्रयोग में भी हम एक ऐसे ही उपयोगी बैक्टीरिया की स्लाइड बनाने वाले हैं जो दही बनाने के काम में आता है। प्रक्रिया: स्लाइड बनाने के लिए हमें सबसे पहले दही बनाने की ज़रूरत होगी और हम दूध से दही बनाएंगे। एक बर्तन में 100 मिलीलीटर गुनगुना दूध ले और उसमें लगभग एक चम्मच छाछ या दही मिला ले। बर्तन को ढक दे और दही जमने के लिए 8 से 10 घंटे तक उस बर्तन को वैसा ही छोड़ दे। बर्तन का ढक्कन खोले और दही की घनता की जांच करें। इसके साथ उसका स्वाद, रंग और उसकी गंध भी आप जांच लें। इस प्रकार दही बना जाता है। इस जमे हुए दही की एक बूंद कांच की एक स्लाइड पर ले ले और समान रूप से स्लाइड पर फैला दे। आपको स्लाइड पर दही की एक पतली सी परत मिलेगी, इसे स्मीयर कहा जाता है। इसे आप सूखने दें। अब उस स्मीयर पर मिथिलिन ब्लू स्टेन की 2 या 3 बूंदें आप डाल लें। इससे बैक्टीरिया अंकित हो जाता है और उनके निरीक्षण में हमें आसानी हो जाएगी। कांच की स्लाइड पर कवर स्लिप लगा लें और कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के उच्च आवर्धन के तहत निरीक्षण कर लें। निरीक्षण: पहले दूध द्रव रूप में था और उसका रंग भी सफ़ेद था। उसका स्वाद दुग्ध शर्करा के कारण मीठा भी था। बाद में जब दूध से दही बना तब उसका रंग सफ़ेद था, थोड़ा ठोस बन गया था, मुलायम था और स्वाद में थोड़ी सी खटास भी थी। स्लाइड पर बड़ी संख्या में छड़ जैसे आकार के बैक्टीरिया दिखाई दिए गए हैं। इस बैक्टीरिया को लैक्टोबेसिली कहा जाता है। बेसिली शब्द का अर्थ होता है छड़ जैसे आकार में बैक्टीरिया। लैक्टोबेसिली दुग्ध शर्करा को लैक्टिक आम्ल में बदलते हैं जिसके कारण दही का स्वाद खट्टा होता है। लैक्टिक आम्ल के कारण दूध के प्रथिनों को जमाते हैं जिसके कारण दही जमता है। निष्कर्ष: लैक्टोबैसिली एक उपयोगी बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है। ये बैक्टीरिया हमारे आंतड़ों में भी मौजूद होता है और प्रोबायोटिक के रूप में वो काम करता है। इस प्रकार से बैक्टीरिया की वजह से 10 जैसी बीमारी से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये हमारी पाचन शक्ति को बनाए रखता है, एलर्जी के लक्षणों को भी यह कम करता है।